फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फरहास लाइफ। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो गाइस, आज का जो वीडियो होने वाला है वो है रिलेटेड टू एन आई शैडो पैलेट, जिसका मैं फर्स्ट इंप्रेशन और रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और मैंने ये पैलेट मंगाया है मीशो से। इसका बाइंग लिंक और जो भी इसके रिलेटेड डिटेल्स हैं वो सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। एक्चुअली मैं मीशो में बाय लिंक नहीं होता, बट इसका कोड होगा जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। सो विदाउट फर्दर डिले मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये है एंजल रोज का आई शेडो पैलेट। इट इज 88 कलर्स आई शेडो पैलेट, जिसको यूज करने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। एंड यू कैन सी द कलर कलेक्शन हियर। इसमें ऐसा ट्रांसपेरेंट शीट आती है, तो इसको हटाने के बाद ये बहुत ही अच्छी कंडीशन में मुझे रिसीव हुआ था। इसमें आप देख सकते हैं, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द शेड्स हियर। इसमें आपको ग्लिटर भी मिलते हैं, इसमें आपको शिमरी शेड्स भी मिलते हैं, मेटालिक मिलता है, और इसमें आपको मैट शेड भी मिलते हैं। ऑल इन ऑल एक बहुत ही वर्सेटाइल पैलेट है। एंड बस इसमें एक ये कमी लगी मुझे कि इसमें मिरर वगैरह कुछ अवेलेबल नहीं है, तो आपको अलग से एक मिरर यूज़ करना पड़ेगा। बट वो भी इट्स ओके, बिकॉज इसकी जो कॉस्ट है वो है सिर्फ 363 रुपीज़, विच इज़ जस्ट सो अमेजिंग। मैंने इसके कुछ जो कलर्स है जब ये आया था तो ऐसे हैंड स्वैच करके देखे थे, तो मुझे काफ़ी अच्छी पिगमेंटेशन लगी। बट लेट्स टेस्ट इट ऑन द आईज टू, कि ये आईज पे कैसा लगता है। और गाइज, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगेगी और पसंद आएगी तो देन प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल, एंड इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चलिए विदाउट फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं कि इसका किस तरीके के आई स्वैचेज हैं, किस तरीके से ये आईज पे काम कर सकता है। आप देख सकते हैं, मैंने अपना फेस का जो बेस है वो ऑलरेडी कर चुकी हूँ। मैंने आईज पे ऑलरेडी कंसीलर जो है वो लगाया हुआ है, एंड हल्का सा कॉम्पैक्ट से सेट भी कर लिया है। सो चेक करते हैं कि इसके कलर्स कैसे काम करते हैं। सो गाइस, स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले ये क्लीन ब्रश पे मैं यहाँ पे ये वाला जो ब्राउन सा है ना ट्रांजिशन शेड, इसको पिक करके देख रही हूँ। एंड यू कैन सी ये ब्रश पे बहुत अच्छा पिक हुआ है। देखते हैं इसको आईज पे लगा के, दैट हाउ इट वर्क्स। वाओ, इट्स रियली रियली नाइस। यू कैन सी ये सिर्फ मैंने बहुत हल्का सा पिक करा था और इसकी इतनी अच्छी पिक हुआ है। ये बहुत अच्छे से ब्रश पे पिक हुआ है, बहुत इजीली मेरे आईज पे इजीली कलर आ गया इसका। एक बार और लेती हूँ। ओके, दैट्स रियली नाइस, यू कैन सी। नेक्स्ट गाइस, मैं पिक करने वाली हूँ ये वाला जो ब्लू शेड है उसको, एंड यू कैन सी सो पिगमेंटेड। तो आउटर वी पे प्लेस करूंगी मैं। ओके, थोड़ा सा आपको इसको बिल्ड करना पड़ेगा। सो गाइस, ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया है, कोई भी फॉल आउट मेरे फेस पे नहीं हुआ है, एंड इसका पिगमेंटेशन भी बहुत अच्छा है, ब्रश पे भी बहुत अच्छा आया है। गाइज, ये है वो पिंक शेड जो कि ब्लेंड होने के बाद कुछ इस तरीके से दिख रहा है। एंड ये एक बारी में पिगमेंटेशन नहीं आई थी इसकी, ये काफ़ी डार्क ब्रश पे अच्छे से पिक हो रहा है, काफ़ी डार्क ये उसमें लग रहा है, मगर आईज के लिए मुझे इसको 2-3 बारी लेके फिर बिल्ड करना पड़ा। सो इट्स काइंड ऑफ बिल्डेबल आई शेडो, मतलब ये वाला पर्टिकुलर कलर। एक फ्लैट ब्रश लिया है मैंने, इसके ऊपर मैं ये वाला ऑरेंज कलर पिक कर रही हूँ और इसको इनर कॉर्नर पे लगाएंगे। एंड इट इज नाइस। दिस इज वन स्वाइप, मैंने और नहीं लिया है कलर, अब ले रही हूँ। ओके गाइस, सो आफ्टर डूइंग दिस मैं इसमें से एक शिमर शेड पिक करूंगी, तो मैं ये गोल्डन वाला मेटालिक शेड जो है इसको अपनी फिंगर की हेल्प से पिक कर रही हूँ, एंड फिंगर्स पे तो ये बहुत अच्छा आ रहा है। लेट्स सी ये आईज पे कैसा। ओके, इट्स रियली नाइस। सो गाइस, नेक्स्ट आई एम गोइंग टू पिक दिस ग्लिटर शेड राइट ओवर हियर। गाइस, दैट इज हाउ द ग्लिटर लुक्स लाइक। ग्लिटर भी इसका काफ़ी अच्छा है, थोड़ा सा फॉल आउट है जो मेरे फेस पे हो रहा है,
ब्रश से भी अच्छे से लग रहा है और ये फिंगर्स की हेल्प से भी अच्छे से लग रहा है। मगर प्रेस ब्रिटल्स जो होते हैं ज़्यादातर अगर हम फिंगर की हेल्प से लगाते हैं तो और ज़्यादा अच्छे टर्न आउट होते हैं हमारे आईज़ पे। Guys, let me give some finishing touches to it and I'll be right back. So I have done the other eye as well. Dono eyes mein same look create kara hai and I have put on my eyelashes and you can see how the eye look has turned out. So iske jo colors hain wo all in all mujhe acche lage. Iska jo maine आप लोगों के साथ ये वाला पिंक शेड जो ट्राई करा था, ऑल्दो इट्स लुकिंग वेरी पॉपिंग ऑन दी आई शेडो पैलेट, बट ये आईज़ पे इतना ज़्यादा पॉप नहीं कर रहा था। मुझे काफ़ी 2-3 बारी लेके इसको लगाना पड़ा, फिंगर से टचअप करना पड़ा, फिर इट वॉज रियली नाइस। इसके बाद इसकी अच्छी पिगमेंटेशन आ गई थी। सो गाइस, नेक्स्ट बात हम करने वाले हैं इनके कुछ हैंड स्वेचेस की। मैं आपको हैंड स्वेचेस दिखा देती हूँ। इसमें से मैं पहले मैट कलर के हैंड स्वेचेस आपको दिखा रही हूँ। ये ऐसे कलर्स हैं जो कि बहुत लाइट हैं, यू कैन सी, बट ये बिल्डेबल हैं। ये मैंने यूज नहीं करा था ग्रीन पर्पल, ये थोड़ा सा नियॉन शेड है। ये आप देख सकते कितने पिगमेंटेड हैं। लाइक अ येलो, मोस्टली पैलेट्स में जो येलो शेड होता है वो इतना पिगमेंटेड नहीं होता है, बट इसका काफ़ी पिगमेंटेड है। सो दीज आर फ्यू स्वैचेस ऑफ मैट शेड। जैसे कुछ मेटालिक शेड्स हैं जो कि मैं स्वैच करने वाली हूँ, लाइक दिस वन ओवर हियर। इसमें ना हल्का सा मोनोक्रोम टिंट है ग्रीन कलर का, एंड दिस इज द ग्रीन शेड जिसमें कि आपको हल्का सा पॉपलेस शेड दिख रहा होगा। शेड एंड यहाँ पे ये पर्पल है, बहुत प्रिटी पर्पल और ब्लू की शीन है इसके अंदर। सी हाउ प्रिटी दिस इज। एंड कुछ ग्लिटर शेड्स भी हैं जो कि मैं आप लोगों के लिए स्वैच करती हूँ इसमें से। और इनके जो ग्लिटर्स हैं वो नॉर्मल ग्लिटर्स भी हैं इसमें, जैसे नॉर्मली प्रेस ग्लिटर्स होते हैं, और कुछ ऐसे हैं जिसमें स्टार शेप और वो सर्कल शेप के ग्लिटर्स भी मिक्सड है। लाइक दिस वन, ये रेड है, रेड में आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं वो सर्कल में ना आपको यहाँ पे इट्स लाइक ग्रीन कलर की हिंट आ रही होगी, गोल्डन कलर का इसमें ग्लिटर मिक्स है रेड में। ये ब्लू कलर का ग्लिटर है, इसको स्वैच करके देखते हैं ऐसा है। ये इसमें ना पिंक कलर के स्टार्स हैं एंड इसमें ये वाइट कलर का ग्लिटर भी है, बड़ा अच्छा लग रहा है इसको स्वैच करके देखते हैं। इट्स वेरी प्रिटी, सी कितना मतलब क्लोजली अगर मैं इसको देख रही हूँ ना तो इसमें बहुत ही प्रिटी ना गोल्डन वाइट गोल्डन ऑरेंज सी शीन आ रही है, विच इज़ वेरी डिफरेंट, नॉर्मली आपको पैलेट्स में देखने को नहीं मिलता है। एंड व्हाट एल्स, सो आई हैव ऑलमोस्ट लाइक दिस वन, ये बहुत प्रिटी शेड लग रहा है। यहाँ पे पर्पल एंड गोल्डन मिक्स है, ब्राउन वाइट, सो प्रिटी। अगर ये आपके आईज पे लगा हो यू कैन क्रिएट गाइज। ऑल इन ऑल मुझे ये वाला पैलेट काफ़ी पसंद आया, और ये पैलेट जो है एक मस्ट हैव पैलेट है आपकी वैनिटी में। अगर आप बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में कोई पैलेट ढूंढ रहे हैं तो गो फॉर दिस वन। इसके कलर्स और पिगमेंटेशन एंड स्वैचेस आप ऑलरेडी देख चुके हैं, काफ़ी अच्छे हैं एंड यू कैन वर्क अराउंड विद दिस। आप बिल्डेबल भी है एंड डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस वन। सो गाइज, ये था रिव्यू मेरा आज का इस वीडियो के बारे में। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल एंड फॉलो फॉर मोर सच कॉन्टेंट। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।